अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज हम लौकी का हलवा बनाने जा रहे हैं जो बहुत ही टेस्टी और हेल्दी होता है। सर्दियों में खास कर ये बनाया जाता है और इनका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है, बिल्कुल गाजर के हलवे जैसा लगता है ये। और बच्चे जो लौकी नहीं खाते हैं वो इस हलवे को बहुत पसंद करेंगे और बच्चे बड़े सभी को ये बहुत पसंद आने वाला है। चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने 1 kg यहाँ पे एक लौकी ली थी, वो 1 kg की थी, और उनको ऐसे ग्रेट कर लिया है। आप ग्रेटर से उनको ग्रेट करें और उसके बाद एक पैन में उनको ट्रांसफ़र कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे मैंने फुल फैट मिल्क लिया है, 1/2 लीटर है, 1/2 लीटर से थोड़ा ज़्यादा ही था, 1/2 लीटर लगभग यहाँ पे फुल फैट मिल्क ऐड करेंगे। आप चाहें तो ठंडा या गर्म ले सकते हैं। और उसके बाद इनको मिक्स कर देंगे, गैस की फ्लेम को ऑन कर देंगे और यहाँ पे 2-3 हरी इलायची ऐड कर देंगे। हरी इलायची ऐड करने के बाद हम लगातार इनको चलाएंगे और एक इनका बॉयल आने देंगे हाई फ्लेम पे। गैस की फ्लेम को हाई रखना है, जब इसमें बॉयल आने लगे तो फिर हमें गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम कर देना है। और क्योंकि लौकी है तो बहुत ही जल्दी ये सॉफ्ट हो जाती है, और इस तरह से बीच बीच में इनको चलाते रहना है। 5-6 मिनट जब ये बिल्कुल पक जाए तो फिर यहाँ पर मैंने एक प्याले में घर का बना हुआ मावा लिया है, बिल्कुल ही फ्रेश है। अगर आपके पास हो तो फिर ऐड करिए, वरना आप यहाँ पे मिल्क पाउडर भी ऐड कर सकते हैं या फिर दोनों स्किप भी कर सकते हैं। इसको ऐड करने से क्या होता है, हमारे हलवे का टेस्ट बहुत ही इन्हेंस हो जाता है। आप चाहें तो मिल्क पाउडर ऐड करिए या फिर आप दोनों चीज़ें स्किप कर सकते हैं। देखिए, मावा डालने के बाद थोड़ा सा इसमें थिकनेस आ गई है। अब गैस की फ्लेम को हमें यहाँ पर मीडियम करना है और लगातार इनको चलाते रहना है जब तक इनके इसमें थिकनेस ना आ जाए। यहाँ पे मैंने 2 फाइन चॉप करके डेट्स ऐड किया है। खजूर को ऐड करने से क्या होता है कि इनमें और ही अच्छी से रिचनेस आ जाती है और ये हेल्थ के पर्पज़ से और ही बढ़िया हलवा बन जाता है। सर्दियों में ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। और इस तरह से गैस की फ्लेम को हाई करेंगे और बीच बीच में मीडियम करेंगे, लगातार स्टिर करते रहेंगे जिससे कि ये नीचे लगने ना पाए। देखिए, लगातार चलाते हुए हमें इसको पकाते रहना है और ये थोड़ा सा थिक हो रहा है। यहाँ पे हमने खजूरें भी ऐड कर दी हैं, ये भी आपके पास अगर अवेलेबल ना हो तो स्किप कर दीजिए। यहाँ पे 1 कप मैंने शुगर ऐड की है। आप शुगर की क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको लाइट मीठा चाहिए तो फिर आप इनकी क्वांटिटी हाफ़ कर दीजिए, या फिर आपको और ज़्यादा मीठा चाहिए तो और भी आप ऐड कर सकते हैं टेस्ट करके। यहाँ पे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स मैंने ऐड किए हैं, आप अपने टेस्ट के हिसाब से जो भी आपके पास अवेलेबल हो ऐड करिए। थोड़ा सा डेसिकेटेड कोकोनट है, मैंने 1 प्याली लगभग ऐड किया है। और अच्छी तरह से इनको लगातार मीडियम टू हाई फ्लेम पे हमें इसी तरह से चलाते रहना है और इनको मिक्स करते रहना है। सारे ड्राई फ्रूट्स और शक्कर और का पानी हमारे ड्राई हो रहा है, इनको लगातार इसी तरह से हम चलाते रहेंगे जब तक इनका वाटर एक्स्ट्रा ड्राई ना हो जाए। और देखिए, हमारा लगभग यहाँ पे जो मॉइस्चर है वो ख़त्म होने वाला है। अब इस टाइम पे हमें यहाँ पे मैंने घर का बना हुआ देसी घी 1 टेबल स्पून ऐड किया है। इससे इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है और ये बहुत ही हेल्दी बन जाता है। और सर्दियों में ये आप इसको चाहें तो स्टोर करके काफ़ी दिनों तक खा सकते हैं, और बच्चे भी इसको ईज़िली खा सकते हैं, उनको भी पसंद आता है ये। जब तक हम इनको फ्राई करेंगे, जब तक हमारा घी जो है सरफेस पे ना आ जाए। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने इलायची पाउडर ऐड किया है, और लगातार इनको 2-3 मिनट चलाने के बाद जब बिल्कुल इसका मॉइस्चर ख़त्म हुआ तो गैस को ऑफ कर दिए है, और एक बॉल में इनको अब हम निकाल लेंगे। देखिए कितना ज़बरदस्त इनका टेक्स्चर है, और ये खाने में बहुत ही ज़बरदस्त था। इनका टेस्ट बहुत ही लाजवाब था और सभी को ये पसंद आया, बच्चों को भी और बड़ों को भी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।